वीरू एक चीज़ मैं कहूँगा आज थोड़ी मेरी एशियन पेंट्स पे रीडिंग गलत हो गई क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ये स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग रिकवरी दिखाएगा नहीं लेकिन ठीक है मार्केट है आप हर चीज़ आपको आ, अगर गलत जाते हैं तो वो भी स्वीकार करना चाहिए तो ये थोड़ा सा मेरा व्यू गलत पड़ा क्योंकि मैं सुबह एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसमें और सेलिंग प्रेशर आएगा लेकिन आगे रिकवरी आई थिंक ये मार्केट ने हाँ वीरू हाँ अनुज मैं इंटरडे हाँ मैं इंटरडे प्रोस्पेक्टिव से नहीं पूछ रहा हूँ मैं ये जिस क्वालिटी का स्टॉक है हमारे करियर में इसने हर डिप पे जो पैसा बना के दिया मैं उस प्रोस्पेक्टिव से पूछ रहा हूँ बिल्कुल मैं उस प्रस्पेक्टिव से अगर आऊँ तो वीरू मुझे लग रहा है कि यहाँ से ले अगले छः महीने में एशियन पेंट्स में बहुत ज़्यादा पैसा अभी नहीं बनेगा ये मेरा व्यू है अभी भी क्योंकि कॉम्पटिशन काफ़ी है जे पेंट्स और वो जो ग्रासिम वाला है अब वो ग्रासिम भी फुल फ्लेज स्टार्ट हो गया है और एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर तीन चार मार्केट प्लेयर्स ने बहुत डोमिनेट किया था वहाँ पर अब नए प्लेयर्स आए हैं ठीक है लेकिन हाँ अगर एक लीप ऑफ फेथ मार्केट लेगा इन स्टॉक्स में क्या होता है टाइम करना बहुत टफ होता है कि कब जाके ये बॉटम होंगे तो एशियन पेंट्स में टाइम टाइम करना थोड़ा टफ़ हो जाएगा एक और चीज़ जो एशियन पेंट्स के फेवर में जा रही है पहली बार पिछले दस साल में एशियन पेंट्स का वैल्यूएशन जो है वो उसके मल्टीपल्स जो उसके एवरेज मल्टीपल्स होते हैं उसके नीचे आया है पहली बार ऐसा हुआ है दस साल में ये एक चीज एशियन पेंट्स के फेवर में जा रही है इसकी वजह से भी आज हो सकता है कुछ लोगों ने बाय किया हो लेकिन मेरा ये मानना है कि अगले छह महीने से बारह महीने में ये स्टॉक मार्केट के रिटर्न को शायद ना बीट कर पाए ये मेरा भी अभी भी इंटैक्ट है ओके hmm. okay, बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें